Hello students, welcome to my channel. Students, today's video is related to company secretary course, जिसे हम short में CSB कहते हैं. Students, before joining any course, it is very important to know the all detail about the course. आज का हमारा video इसी से ही related है. आप में से बहुत सारे student ऐसे होंगे जिन्होंने company secretary course के बारे में सुन रखा होगा. एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होंगे. बट स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के पहले उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को जान लें. आज मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी कि जैसे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता क्या है, इस कोर्स के स्कोप क्या क्या हैं, एक्सेट्रा. तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे. तो चलिए देखते हैं, वॉट इज कंपनी सेक्रेटरी. A compliance officer that the director appoint to handle legal issue and legislation. Company secretary एक compliance officer होता है जिसे director appoint करता है company के legal issues and legislation handle करने के लिए. ये आपकी एक technical definition हो गई company secretary की. But जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक नीचे structure तैयार किया हुआ है, ठीक है. इसमें अगर मैं आपको एक जनरल वे में नॉर्मल तरीके से समझाऊं, तो कंपनी जब हमारी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, इट मींस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंपनी के रन करने तक, कंपनी के बंद होने तक, ये सारे प्रोसेस के लिए एक लॉफुल, एक लीगल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ठीक है. इन सारे लीगल स्ट्रक्चर को, सारे लीगल प्रोसीजर को जो फॉलो करने का काम होता है वो कंपनी सेक्रेटरी का होता है. कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है, ठीक है. कंपनी को लॉफुल तरीके से रन करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है. अगर आपको कंपनी बंद भी करनी है, ठीक है, जिसे हम वाइंडिंग अप कहते हैं, उसके लिए भी एक लॉफुल प्रोसेस फॉलो किया जाता है. आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, ठीक है, या अब हमें कंपनी रन नहीं करनी है तो हमने कंपनी के ऑपरेशंस बंद कर दिए, ठीक है. उसके लिए भी आपको प्रॉपर एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करनी होती है. ये सारा प्रोसेस भी एक कंपनी सेक्रेटरी को ही हैंडल करना होता है, ठीक है. जिस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन का एक सेक्रेटरी होता है जो कि ये देखता है कि उस पर्सन के सारे डे टू डे वर्क प्रॉपर तरीके से हैंडल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसी तरीके से एक कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है उसका भी यही काम होता है, यही देखना कि कंपनी से रिलेटेड सारे काम लॉफुल तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट, ओके. इसीलिए कंपनी को कंपनी एक्ट से रिलेटेड सारे लॉ जो हैं फॉलो करने होते हैं. एंड एक सीएस का भी यही काम होता है कि एज अ कंप्लायंस ऑफिसर वो इस बात का ध्यान रखे कि कंपनी एक्ट से रिलेटेड सारे लॉ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं. इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कंपनी लॉ की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. ये तो हो गई कंपनी एक्ट्स की बात, बट कंपनी लॉ के अलावा भी और भी काफ़ी सारे लॉ है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी में कंपनी लॉ के अलावा भी और सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं और सारे कंप्लाइंसेस का आपको ध्यान रखना होता है. जैसे कि स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस हो गया, इसके अंडर आता है सेक्रेटेरियल कंप्लाइंसेस, ये आपके होते हैं आरओसी से रिलेटेड कंप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है. इसके अलावा हो गया लेबर लॉ, जिसमें आपको लेबर लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. टैक्स से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस होते हैं कंपनी में, ठीक है, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेगुलेटरी कंप्लाइंस की, ठीक है, फेमा रिलेटेड कंप्लाइंस आपके होते हैं. फेमा आपका तब एप्लीकेबल होता है सपोज कंपनी में अगर कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, फॉरेन से, फॉरेन करेंसी आप रिसीव कर रहे हैं, या अगर आप बाहर पैसा लगा रहे हैं, एफडीआई या ओडीआई आपका हो रहा है, उस केसेस में आपके आरबीआई से रिलेटेड फेमा कंप्लाइंस आपके एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें आपको फॉरेन
एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, फेमा की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है इसके लिए। अगर लिस्टेड कंपनी है इसमें आपके सेबी के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, लिस्टिंग कंप्लाइंस आपको देखने होते हैं, ठीक है, इसमें आपको सेबी रेगुलेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA का कंप्लाइंस आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एक CS का काम ये है कि एक कंपनी में जितने भी आपके लीगल इश्यूज होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हैं, कंपनी एक्ट से रिलेटेड हैं, फेमा से रिलेटेड हैं, लिस्टिंग से रिलेटेड हैं, जो भी हैं, वो सारा काम किसे करना है, कंपनी सेक्रेटरी को करना है, ठीक है। आपको यही देखना है कि इसमें कंपनी में कब कब कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, कहाँ आपका लेबर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, कहाँ अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंप्लाइंस आपके कहाँ एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो सारा आपको ध्यान रखना है। आपको यही देखना है कि हमको इस लॉ को किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें लॉ की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखा कि आखिर एक CS होता क्या है। मैंने आपको काफ़ी डीपली एक एक चीज़ों के बारे में बताया है कि एक आखिर कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या काम हो सकता है, किस किस जोन में आपको इन्वॉल्व होना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि CS करने के बाद आपकी स्कोप क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे किस तरीके से ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ CS, ठीक है। एक CS का स्कोप बहुत ही वाइड है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। आप अगर चाहो तो एज अ होल टाइम एम्प्लॉई ज्वाइन कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। अगर किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उन्हें एक होल टाइम CS अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा आप किसी भी कंसल्टिंग फर्म में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज में, NCLT में, या किसी भी गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी में ज्वाइन कर सकते। इसके अलावा आप अगर चाहो तो खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने प्रोफेशन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को क्या दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो किसी भी सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रियल स्टेट हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी LLP में आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, बट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर की लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। सपोज़ आपने अगर LLP में ज्वाइन किया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बैंक में कर रहे हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, रियल सेक्टर से रिलेटेड है तो रियल सेक्टर में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कंपनी एक्ट के साथ साथ उस पर्टिकुलर सेक्टर में और कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक CS का काम ही यही होता है कि वो उन बातों का ध्यान रखे कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, उनके क्या क्या कंप्लाइंसेस आपको करने हैं, आपको सारे लीगल मैटर्स हैंडल करने होते हैं। बेसिकली आपका जो काम है वो यही है कि इससे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी लीगल इश्यूज हैं वो आपको हैंडल करने होते हैं, ठीक। अगर आप CS के बाद LLB के लिए भी जाते हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे लॉ की आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ये बात करी हमने CS के स्कोप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि CS कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप देखिए एलिजिबिलिटी फॉर CS, CS जो है आप आफ्टर 12th भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर पासिंग 12th आप CS कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपको 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप 12th के बाद कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले आपका फाउंडेशन प्रोग्राम होगा, फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव करना होगा, देन आपका प्रोफेशनल आपका जो है लास्ट स्टेज है, ठीक। अगर आप अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद CS ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ 2 स्टेजेस क्लियर करने होते हैं, विच इज़ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, देन आपका जो फाइनल है प्रोफेशनल प्रोग्राम,
ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी चाहें तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ दो स्टेजेस क्लियर करने होते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग फाइन आर्ट्स। तो ऐसे इसमें आपकी कोई स्ट्रीम वाइज कोई खास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं या आर्ट्स के ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों फील्ड के स्टूडेंट्स जो हैं, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब हम देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ये टॉपिक आपके कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये टॉपिक जो है आपको हेल्प करेगा इस फील्ड को चुनने के लिए। ये कुछ ऐसे बेसिक 3 स्टेप्स हैं, या ये कहूँ बेसिक 3 चीज़ें हैं, जो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप में होनी चाहिए। तो बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर चीज़ में है, आगे चलकर क्या मुझे इस कोर्स में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस की। वैसे ये चीज़ कॉमर्स के स्टूडेंट पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी कॉमर्स की, फाइनेंस की नॉलेज होती है। बट जो स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है इस चीज़ के लिए। इसीलिए अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने माइंड सेट कर लीजिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, कंपनी अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और आगे चलकर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की। ठीक है ना, सेकंड आपका होता है इंटरेस्ट इन लॉ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉ पढ़ के बोर हो जाते हैं, या फिर जिन्हें लॉ की लैंग्वेज ही नहीं समझ आती, जिन्हें इंटरप्रेट करने में बहुत ही मुश्किल होती है, या फिर आप चूज तो कर लेते हैं लेकिन आपको जब डिफरेंट डिफरेंट लॉ पढ़नी होती है तो आपको, आप बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि आपको काफ़ी सारे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी लॉ की नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, उतनी ही आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो आप ये मान के चलिए कि लॉ जो है आपके फील्ड के साथ हमेशा साथ साथ चलेगा, और आपको जो है लॉ जो है हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। थर्ड है, अप टू डेट विद द लेजिस्लेशन इज एसेंशियल। आप ये नहीं कह सकते मैंने लॉ पढ़ लिया, मैंने एग्जाम दे दिया, अब मुझे कंप्लीट नॉलेज है। नहीं, आपको लाइफ टाइम पढ़ते रहना है, चेंजेस होते रहेंगे, अमेंडमेंट होते रहेंगे। बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपडेट रखिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा अमेंडमेंट कब आ रहा है, क्या चीज़ें कब चेंज हो रही, कौन से किस पर्टिकुलर लॉ में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आप अपने आप को अपडेट रखते हैं आप बहुत ही ग्रोथ करेंगे इंडस्ट्री में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी एक हैबिट बनाइए कि आपको अपडेट रखना है खुद को, जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं लॉ में, उसके लिए आप एक माइंडसेट रखिए कि आपने आपको प्रिपेयर रखिए कि जो भी चेंजेस हैं मुझे खुद को अपडेट रखना है। अगर ये तीन बेसिक चीज़ें आप अपने आप में उतार लेते हैं, आप ये सोच लेते हैं कि हाँ ये फील्ड में मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है और मुझे ये पूरी करनी है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेक्चर ऑल अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने उनके लिए जितनी हो सके सारी डिटेल नॉलेज इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी आगे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेरीज है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें। Thank you.